मॉर्निंग गाइस, सुबह के बज रहे हैं 6। मैं उठ चुकी हूँ, अब बस मैं करूँगी अपना सारा काम, क्योंकि आज है मंडे और आज जाना है मेरी बेटी को स्कूल। तो मुझे उसके लिए लंच ब्रेकफास्ट सब जल्दी जल्दी बनाना है, क्योंकि उसके उठने के बाद तो सिर्फ उसको रेडी करना ही रह जाता है। ये मेरा डे रूटीन है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ गाइस। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बस अब अपना काम फटाफट करते हैं शुरू, और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। सो गाइस, सबसे पहले मैं करती हूँ गर्म पानी, क्योंकि मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ गर्म पानी पीने से। तो बस अब हम पियेंगे थोड़ी देर आराम से बैठ के गर्म पानी, जिससे थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाएंगे, उसके बाद आगे का काम शुरू करेंगे। जब जब तुझे पुकारा बाबा, तू था मेरे पास तेरे बल से। सो गाइस, काम सब निबट चुका है, लंच बन गया है। एक्चुअली मैंने बीच में वीडियो नहीं बनाई थी, अपनी बेटी को स्कूल से छोड़ के आने के बाद मैंने लंच बनाया और ब्रेकफास्ट कराया सबको, पूजा की। और अब मैं भी नाश्ता करके बैठ चुकी हूँ, टाइम हो गया है 12:30, और अब मैं जाऊँगी अपनी बेटी को लेने, क्योंकि अब उसकी छुट्टी होने वाली है, और उसके बाद करेंगे अपनी बेटी के साथ एंजॉय। पूरा दिन ऐसे ही कट जाता है, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। कब आए हो आप, कहाँ से आ गए हो, बता दो। स्कूल से। कैसा रहा स्कूल आपका? अच्छा भाई। बड़ा अच्छा। आपके हालचाल क्या है? मेरे हालचाल तो बहुत बढ़िया है। चलो जल्दी आओ। मम्मी। इनको बता दो आप पावरफुल क्यों हो? आप इतनी पावरफुल क्यों हो? आप इतनी पावरफुल क्यों हो? आप क्यों हो ये बताओ, क्योंकि आप लाल चावल खाते हो। तो गाइस, बेटी आ गई स्कूल से, वो रही है सो, और अब मैं करूँगी शाम के डिनर की तैयारी, क्योंकि जब तक वो सोती है तब तक मैं डिनर की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि जब वो उठेगी तो मुझे उसको पढ़ाना भी है, घुमाना भी है। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अब मैं कर रही हूँ फटाफट डिनर की तैयारी, कुछ सब कुछ काट पीट के रख दूँगी, क्योंकि खाना भी बहुत ज़रूरी है गाइस। बेटी सो रही है, जब तक वो सोती है तब तक काम तो बहुत ईजीली निपटा लिया जाता है, क्योंकि उसके बाद उसे उठा के और भी काम निपटाने होते हैं। तो सो गाइस, अब हो गई है शाम, आप देख सकते हैं मौसम बहुत अच्छा है। बेटी भी मेरी सोकर उठ चुकी है, और अब हम आ गए हैं छत पे। थोड़ा सा मैं दूंगी पेड़ों में पानी, और तब तक थोड़ी देर मेरी बेटी करेगी मस्ती। और ये टाइम का मौसम बहुत अच्छा होता है, बड़ा अच्छा लगता है इस टाइम पर। दिवाली चली गई, पटाखे फोड़ने का इंटरेस्ट अभी नहीं गया है भाई। क्या कर रहे हो? बेटी मेरी सो के उठ चुकी है, अब बस पेड़ों को पानी देंगे, फिर थोड़ा सा बेटी के साथ खेलेंगे, उसके बाद पढ़ाई करानी है उसको, थोड़ा पढ़ाऊंगी, फिर करूंगी डिनर की तैयारी। ऐसे गाइस पूरा दिन निकल जाता है, ऑलमोस्ट सबका दिन ऐसे ही जाता होगा,
मेरा दिन तो गाइस ऐसे ही चला जाता है पूरा। छोटे बच्चे के साथ थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल होता है, बट फिर भी कोशिश पूरी रहती है कि मैं अच्छे से मैनेज करता हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ लड़ाई करना है हम अकेले हैं। अब फ्रेंड फैमिली वाला सिस्टम बहुत कम जगह रह गया है, मेरा भी नहीं है। क्या है वो? वाओ, अच्छा है इस टाइम हम अच्छा कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद मुझे जाएंगे ना, बच्चों को मजा आता है बड़ों का काम करने में। ये देखो मैं पैरों में पानी दूं ना दूं, वो देखो ये क्या हो रहा है। इसी तरीके से हमारी छत पे होती है मस्ती, और साथ ही साथ में उससे पेड़ों पे तो मैं पानी भी पड़वाती हूँ। इससे उसे इनकी अहमियत भी समझ में आती है और मेरा भी काम आसान हो जाता है, मेरा काम हो जाता है और उसका भी टाइम कट जाता है, क्योंकि बच्चों के साथ प्ले करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से मैं उसके साथ प्ले कर लेती हूँ ताकि वो आराम से एंजॉय कर सके। छत से आ गए हैं नीचे, अब चल रहा है थोड़ा सा स्क्रीन टाइम, उसके बाद होगी पढ़ाई। इट्स अ मल्टी टैलेंट। थोड़ा पढ़ाएंगे अपनी बीबी को, तो वो मैं पढ़ा रही हूँ। पढ़ाने के बाद बनाएंगे डिनर जो थोड़ा रह गया था, और खिलाएंगे सबको, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। सो गाइस अब बज चुके हैं 8:30 और मैं खा रही हूँ खाना, तो अब हो गई खाने की तैयारी। नो खाना भी तो खाओ। मिलते हैं खाने के बाद। हो गया है कंप्लीट, अब सारे काम से हम हो गए फ्री। अब जाएंगे वॉक करने के लिए, कहीं और नहीं छत पे, क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है आज। आज थोड़ा सा दिन बिजी था मेरा, तो मैं बाहर वॉक करने नहीं जा सकती, तो छत पे ही वॉक करने जाएंगे। अब मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हेलो एवरीवन, डिनर हो गया है कंप्लीट और अब हम जा रहे हैं वॉक पे, कहीं बाहर नहीं सिर्फ छत पे। तो आप देख सकते हो पूरी तरीके से अंधेरा हो गया है और हम आ गए छत पे वॉक करने के लिए। और आप इधर देखेंगे पार्क में सब खाली खाली पड़ा हुआ है गाइस, तो हम बस छत पे ही वॉक करेंगे और फिर जाएंगे सोने के लिए। कैसे खुला है गाइस, कैसे बताएंगे, तो आप बताओगी। आपका स्कूल क्या अच्छा लगा है? तो लाइक करें अपने स्कूल के। आपके स्कूल को लाइक करें, आपको नहीं? अच्छा आज कौन सा डे है? आज है हैलोवीन। हैलोवीन डे सेलिब्रेट हुआ था आज आपके स्कूल में? हैलोवीन डे आज मैं भूल रहे। चलो फिर सबको बोल दो बाय बाय, बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट चैनल में। ओके से बाय बाय। अभी तक गाइस सोना नहीं हुआ है, रात के 9:30 बज गए हैं, क्योंकि स्कूल खुले हैं काफ़ी लंबी छुट्टियों के बाद, तो बच्चे भी अपने फ्लो में आने में थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं, हमें भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि अभी तक छुट्टियां थी, तो कभी भी सो कभी भी उठो
उसकी भी अभी मस्ती चालू है, टीवी चालू है, फिलहाल बस लास्ट टाइम है, अब हम सोने ही जा रहे थे। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जब भी वहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी मेंशन करती हूँ तो आप लोग देखते होंगे मैं दो आईडी मेंशन करती हूँ, जिसमें से एक मेरी है और एक मेरी बेटी की है। फिलहाल उसको मैनेज मैं ही कर रही हूँ, लेकिन आप उस पर भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ और फोटोज़ को देख सकते हैं। तो गाइज प्लीज़ इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ना ही मेरी आईडी को, ना ही मेरी बेटी की आईडी को, और मेरे यूट्यूब के इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। एवरीवन, कैसा लगा आप लोगों को आज का मेरा व्लॉग? आई थिंक आप सबको मेरा व्लॉग आज का पसंद आया होगा। भाई यही हमारा डे रूटीन है, छोटे बच्चे के साथ हमारा दिन ऐसे ही मैनेज किया जाता है, कब सुबह हो जाती है कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता। अब बज चुके रात के 9:30, तो थोड़ा सा लेट हो गए हैं आज, क्योंकि आज काफ़ी दिनों बाद बच्चों के स्कूल खुले थे, तो एकदम से रूटीन में आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अभी तो मेरी बेटी भी नहीं सोई है, वो भी अभी खेल रही है, तो अब हम बस जाएंगे सोने। तो आई थिंक आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। तो गाइज अगर मेरा व्लॉग आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और गाइज मेरे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, नीचे लिंक मैं आपको दे दूँगी। साथ ही साथ मैं आपको अपनी बेटी का इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे मेंशन करती हूँ गाइज। तो जैसे ही आप मेरा चैनल खोलेंगे उसमें ऊपर ही लिख कर आ जाता है इंस्टाग्राम और फेसबुक, तो उसे आप क्लिक कीजिएगा, डायरेक्ट आप मेरी इंस्टाग्राम की साइट पे चले जाएंगे। साथ ही साथ मैं अपने ब्लॉग के हर ब्लॉग के नीचे अपने इंस्टाग्राम का लिंक मेंशन ज़रूर कर देती हूँ, तो आप लोग सिर्फ एक क्लिक में इंस्टाग्राम की आईडी पे पहुँच सकते हैं। तो गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड थैंक यू।